लाई फेंग गुआनशुन को उकसाने के लिए मुचिंग से ज्यादा क्लोज हो रहा था, और जब भी गुआनशुन गुस्से से उसे कुछ कहता, मुचिंग उस पे गुस्सा करके उसे चुप करा देता। गुआनशुन के हाथ बंधे हुए थे, वो अपना गुस्सा भी नहीं दिखा पा रहा था। तभी उसने सुना कि वो लोग फायरवर्क मशीन को चेक करने वाले है। मुचिंग और ये फेन वहाँ मशीन के पास ही खड़े थे। गुआनशुन ने मुचिंग को अलर्ट किया कि जरा ध्यान से। तुरंत ही वो फायरवर्क मशीन ऑन हो गया। ये फैन का भी ध्यान गया, लेकिन वो कुछ मुचिंग को कवर करने जाए उससे पहले गुआनशुन ने उसे बचा लिया। जिन लोगों की गलती थी उसे डांट मिल रही थी, और गुआनशुन ने चैन की सांस ली, फिर मुचिंग से पूछा कि क्या तुम ठीक तो हो। लेकिन मुचिंग तो वरीडली ये फैन का हाथ चेक करने लगा था। ये फैन ने अपना हाथ चेक किया और कहा कि डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। मुचिंग वरीड था कि क्या तुम पागल हो, अपने हाथ से ऐसे तुम फायर को कैसे ब्लॉक कर सकते हो। तुम एक फेमस चैलिस्ट हो, अगर तुम्हारे हाथ में चोट लग जाती तो कितने सारे शोज तुम्हारे कैंसिल हो जाते, और उन सब के लिए फिर मुझे पे करना पड़ता। मुचिंग जो बहुत ही कंजूस है, उस पर ये फैन ने गुस्से वाली स्माइल के साथ कहा कि तुम भी अपने भाई जैसे हो, तुम्हें मेरी चिंता नहीं थी, तुम्हें बस अपने पैसों की चिंता थी। मुचिंग दूसरे पर्सन की परवाह कर रहा था, उसके सामने स्माइल करके बातें कर रहा था। वो देखकर गुआनशुन का दिल टूट गया, क्योंकि गुआनशुन का भी हाथ चल गया था, लेकिन मुचिंग ने तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। मुचिंग को थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ, और जब उसने इधर उधर देखा तो गुआनशुन वहाँ पे नहीं था। ये फैन ने उसे बताया कि मेरा हाथ तो ठीक है, लेकिन शायद उसका हाथ ठीक नहीं होगा, मैं तो बस उसे उकसा रहा था ये देखने के लिए कि तुम पिछले 3 सालों से उसके पीछे इतनी मेहनत कर रहे थे, तो क्या वो इस लायक है या नहीं। और मुझे समझ में आ गया है कि ये रिच बंदा तुम्हें लेके सच में सीरियस है। उससे शायद ये पता नहीं होगा कि एक म्यूजिशियन का हाथ उसकी जान से भी ज्यादा प्रेशियस होता है। तुम मेरा हाथ चेक करने आ गए तो वो देख कर उससे शायद बुरा लगा होगा। मुचिंग भी ये समझ गया कि शायद वो गुआनशुन ने गलत समझ लिया होगा। गुआनशुन यहाँ होटल में वापस आ गया था, लेकिन अपने चले हुए हाथ को ट्रीट करने की जगह वो मुचिंग को याद करने लगा कि जब मैं किसी और के साथ था, क्या मुचिंग ने भी बिल्कुल वैसा ही फील किया होगा। तभी कोई दरवाजा ठोक रहा था, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि आखिर ये है कौन, अभी मेरा दिल टूट गया है तो कोई मुझे थोड़ी देर अकेले भी नहीं रहने देना चाहता। मुचिंग ने किक लगा के दरवाजा खोला तो गुआनशुन नीचे गिर गया, और बिना ऊपर देखे हुए कहा कि मैं मुचिंग के अलावा किसी और से नहीं मिलूंगा। लेकिन वहाँ पे मुचिंग ही था, तो वो स्पीचलेस रह गया। मुचिंग ने बहुत ही लाउडली चिल्लाया कि क्या तुम पागल हो। ये सुन के तो जो बाहर लोग थे वो भी थोड़ा चौंक गए। मुचिंग गुआनशुन का कहाव देखना चाहता था, लेकिन गुआनशुन उसे वो नहीं दिखा रहा था। वो फिर से लगातार माफी मांगने लगा कि आई एम सॉरी, अब मैं समझ गया हूँ कि मैं कितना बड़ा कमीना था, मैंने कितनी देर तुम्हें इंतजार करवाया और बार बार तुम्हें चोट पहुंचाई। मुचिंग अपना सर पकड़ लेता है कि गुआनशुन तुम्हें आखिर हो क्या गया है। लेकिन गुआनशुन सच में अभी बहुत ज्यादा सैड था। ये निंगी और शेन लेंशाओ को इस गुआनशुन से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे अपने ओमेगा को ट्रीट करना चाहिए, जिससे ओमेगा खुद चल के तुम्हारे पास आए। मुचिंग ने कहा कि सिर्फ 3 ही सेकंड, उतने वक्त में मुझे अपना हाथ दिखाओ, मुझे उस पर दवाई लगानी है। अपने इमोशंस को साइड में रखो और अपने हाथ में मरम पट्टी लगवा लो। गुआनशुन ने कहा कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। तो मुचिंग ने बहुत ही गुस्से से गुआनशुन का फेस अपनी ओर किया। गुआनशुन बहुत ही पिटीफुल दिख रहा था, तो मुचिंग खुद को रोक नहीं पाया और उसे कस करने लगा।